इस वक्त की बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर है कि किसानों के साथ आज होने वाली बैठक से पहले पीएम आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। और कितनी महत्वपूर्ण, हम सीधे रुक लेते हैं दिल्ली। हमारे सहयोगी अनुराग ढांडा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज जब पांचवें दौर की अनुराग बातचीत होनी है किसानों के साथ, तो उससे पहले यह बैठक कितनी है? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि अभी तक ये अंदाजा लगाया जा रहा था, किसानों की तरफ से भी कहा जा रहा था कि क्या सरकार सीरियस है या नहीं, इस पूरे के पूरा जो स्टैंड स्टिल सिचुएशन बन गई है इसको रिजॉल्व करने में सरकार सीरियस है या नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री के घर पर इस वक्त बैठक हो रही है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं, जिसके सीधे मायने ये कि सरकार बेहद संजीदगी से इस पूरे आंदोलन को ले रही है, किसानों की मांगों को ले रही है, उन पर विचार किया जा रहा है। और साफ तौर पर यह स्पष्ट था कि पीएमओ के इन्वॉल्वमेंट के बिना क्या फैसला लेना है इसमें, ये शायद नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे बड़े स्तर पर सरकार में इस वक्त मंथन चल रहा है कि क्या आज किसानों के साथ जो बातचीत होनी है उसमें कोई समाधान दिया जा सकता है। मैं आपको यहां पर भी तैयारियां दिखाऊं। देखिए, सुबह से ही जबरदस्त तैयारियां यहां पर विज्ञान भवन में चल रही हैं। ये तमाम जो आप यहां पर सिक्योरिटी देख रहे हैं, ये तमाम वो इंतजाम हैं। किसान नेता यहां पर पहुंचेंगे 2 बजे के करीब और तमाम यहां पर कृषि मंत्री मौजूद होंगे। शायद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज हो सकता है कि अगर कोई रेजोल्यूशन निकलता हुआ नजर आए तो गृहमंत्री भी हिस्सा लें, जो बैठक का अंतिम चरण है उसमें। ये बात अभी तक सामने आ रही है। लेकिन क्या समाधान होगा, अब मैं आपको ये बता दूं कि दो ही सिचुएशंस बन सकते हैं। सरकार जो अभी तक बात कर रही है, वो जो लेटर दिया गया था किसानों की तरफ से 10 पेज का, उसमें ये कहा गया था कि 3 जो कानून है उनमें एक कानून पर 12 पॉइंट्स में विरोध था, एक कानून पर 7 पॉइंट्स में विरोध था और एक कानून में 19 पॉइंट्स पर विरोध किया गया था। तो सरकार इन पॉइंट्स को रिजोल्व करने की कोशिश कर रही है। किसान संगठन ये कह रहे हैं कि पूरे के पूरे तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, रिपील किया जाए। तो यहां पर सुई अटक सकती है बातचीत की, लेकिन सरकार फिलहाल बेहद संजीदा नजर आ रही है क्योंकि 2 बजे किसानों के साथ बैठक होने से पहले अभी प्रधानमंत्री आवास पर बेहद महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। यानी अनुराग, आप उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरीके से पीएम का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मैटर में आ गया है, तो आज बातचीत के जरिए किसी ना किसी नतीजे पर आज सरकार और किसानों की तरफ से जो बातचीत है वो पहुंचने की कोशिश होगी। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार भी कह रही थी कि इस पूरे आंदोलन के पीछे राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस पहले बैक सपोर्ट लेकिन अब खुलकर सामने आ गई है। उधर आरजेडी पटना में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से हरियाणा में कह दिया गया है कि वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। यानी अब जो राजनीतिक दल हैं वो पूरी तरीके से फ्रंट पर आ गए हैं इस पूरे आंदोलन को लेकर। इस माहौल में आपको लग रहा है कि समाधान आज होगा संभव? अनुराग, देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि सरकार के भीतर भी ये चिंता है इस बात को लेकर कि जो किसानों का अभी तक प्योर पूरे तरीके से किसानों का आंदोलन नजर आ रहा था, सब किसान संगठन उसको लीड कर रहे थे, सरकार भी उनसे बात कर रही थी, कहीं वो राजनीतिक रंग ना ले ले जिस तरीके से बिहार में आज उसको लेकर के धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है, जिस तरीके से हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पूरे तरीके से ये कह रहे हैं कि वो पुरजोर तरीके से इस आंदोलन के समर्थन में आए हैं और सरकार गिरा देंगे हरियाणा में। ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष अब इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, जो कि सरकार में बैठे लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और इसीलिए बेहद संजीदगी से अब इसको रिजोल्व करने की कोशिश की जा रही है। मुझे उम्मीद यह है कि आज कहीं ना कहीं एक कुछ चरण आगे बढ़ सकते हैं, कुछ स्टेप्स आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो किसान संगठन कुछ स्टेप आगे बढ़ सकते हैं ये जो पूरा बातचीत का दौर चल रहा है। अनुराग, आप नजर बना के रखिए। इस बीच बता दें कि आज किसानों से मुलाकात से पहले पीएम आवास पर बड़ी बैठक चल रही है। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। आज ही 2 बजे विज्ञान भवन में किसानों के साथ पांचवें दौर की बैठक होनी है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज की बैठक में कोई निर्णायक हल जरूर निकलेगा। अभी तक 4 राउंड की बैठक सरकार और किसानों के बीच हो चुकी है, क्या उम्मीद करें? क्या ये डेडलॉक सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है? तो कहीं किस